फलोद में भी जमीन है, उसका अभी डॉक्यूमेंट्री हाथ में नहीं आया है। जमीन एक हैंड से तीसरे हैंड में चला गया है, अभी ट्रांसफर होते हुए तीसरा हैंड में उस पर भी काम चल रहा है। रहुई ब्लॉक मुख्यमंत्री जी का कर्मभूमि रहा है, हम लोग का पूर्वज जो 70+ है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप है न्यूज फॉर नेशन पर। आरसीपी सिंह की 40 बीघे की जमीन आई कहां से, इस पर जदयू का नोटिस चला गया है उनको, उसी जदयू का जिसको उन्होंने लंबे वक्त तक सींचा, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। अब देखिए, जदयू के अंदर जो चल रहा है वो सबको मालूम है कि आरसीपी सिंह का गेम लगभग खत्म कर दिया गया है। उनकी जो गति नीतीश कुमार या उनकी पार्टी ने सोच रखी है उसकी कल्पना खुद आरसीपी सिंह ने भी नहीं की होगी। इन तमाम खबरों से आगे बढ़ें तो अब उस आदमी की बात सुनवाते हैं जो आदमी कहने के लिए जदयू का एक प्रखंड का अध्यक्ष है। उसने वो कारनामा कर दिखाया है जो सीबीआई, ईडी जैसी बड़ी बड़ी एजेंसियों के लिए, इनकम टैक्स जैसे डिपार्टमेंट्स के लिए आसान नहीं है। दरअसल जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रहे आरसीपी सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सबसे जब से वो राज्यसभा का टिकट उनका कटा है और जब से उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, उसके 30 दिन के अंदर उनके खिलाफ कहें कि उनकी पूरी कब्र ही खोद दी गई है। अब देखिए कि हाल ही में रहुई प्रखंड के जदयू अध्यक्ष राकेश कुमार उर्फ राकेश मुखिया ने अपने प्रदेश नेतृत्व को लिखित में आवेदन देकर के उनके अस्थामा ब्लॉक के इस्लामपुर के 40 बीघा, 30 बीघा था राजगीर और बिहार ब्लॉक में भी उनके नाम पर, इनके परिवार के नाम पर जमीन 2010 से 22 के बीच खरीदे जाने को लेकर के मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस के विपरीत, और उन्होंने इस संपत्तियों का जिक्र 2016 के राज्यसभा चुनाव के वक्त भी अपने हलफनामे में दायर नहीं किया था। इस पर जो है पूरा खेसरा ओसरा नंबर निकाल करके जो है अपनी बात कही है। पहले राकेश मुखिया का पूरा सुनवाते हैं कि उन्होंने कैसे आरसीपी सिंह के खिलाफ पूरा सबूत जमा किया और किस तरह के नीतीश कुमार की जदयू के पास उन सबूतों को भेजा और जांच की वकालत की। आरसीपी सिंह पर आपने आरोप लगाया है कि नालंदा जिले में उन्होंने और सहित कई जिलों में अकूत संपत्ति उन्होंने अर्जित किया है, क्या मामला है? सत्य है, क्योंकि इनका संपत्ति अभी दो ब्लॉक में उजागर हुआ है, इस्लामपुर ब्लॉक और अस्थामा ब्लॉक में। अस्थामा ब्लॉक इनका पैतृक गांव मुस्तफापुर है, वहाँ भी 30 से 40 बीघा के आसपास, इस्लामपुर में 30 बीघा के आसपास, जो कि पूरा डिटेल से भी नहीं है, डॉक्यूमेंट जो उपलब्ध हुआ उसी के बारे में जिक्र कर रहा है। बाकी बिहार ब्लॉक में भी जमीन है, उसका अभी डॉक्यूमेंट्री हाथ में नहीं आया है। जमीन एक हैंड से तीसरे हैंड में चला गया है, अभी ट्रांसफर होते हुए तीसरा हैंड में उस पर भी काम चल रहा है। रहुई ब्लॉक मुख्यमंत्री जी का कर्मभूमि रहा है, हम लोग का पूर्वज जो 70+ का बुजुर्ग हैं, खाली पैर चल करके मुख्यमंत्री जी को चावल पैसा चंदा दे करके बनाया है। बीच में विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि आरसीपी टैक्स वसूला जा रहा है, उसी तरह समय से हम लोग इस बिंदु पर काम कर रहे थे, क्योंकि पार्टी के जानकारी में नहीं देते हुए काम कर रहे थे हम लोग। आरसीपी शीर्षक के चलते मुख्यमंत्री जी की बदनामी भी हो रही है और शीर्ष नेतृत्व को कोई खबर नहीं हो रहा था इस मामले में, क्योंकि कहने का कोई हिम्मत जुटा नहीं रहे थे। हम लोग प्रयास कई बार किए भी न कह पाए, क्योंकि हम लोग को मिलने से रोक दिया जाता था। लोकल लीडर के लीडर से हम लोग को जब भी कभी मुलाकात करना होता था तो किसी न किसी रूप में एसपी सर पे, डीएसपी सर पे बोल करके रोक दिया जाता था, भाई ये हंगामा करेगा, ये करेगा, किसी न किसी बहाने से रोका जाता था। अब हमको मौका मिला, डॉक्यूमेंट हम लोग के हाथ में था, उस हिसाब से हम लोग जो उपलब्ध हुआ सच हम लोग पेश किए हैं प्रदेश नेतृत्व को, प्रदेश अध्यक्ष को पेश किए हैं, पार्टी में पेश इसलिए किया है कि उनका हम लोग को कोई जांच ईडी और सीबीआई करवाना नहीं है, क्योंकि पार्टी में है, पार्टी की जानकारी होना चाहिए, मुख्यमंत्री की जानकारी होना चाहिए, इसीलिए हम लोग पार्टी प्रदेश कार्यालय को समर्पित किए हैं। कब इसका जानकारी मिला कि इन्होंने कई प्रकार की संपत्ति बनाया है? जानकारी तो हम लोग को लगभग 2007-08 से है, जो कि अभी उजागर नहीं हुआ, जो पहले जानकारी था उसको उजागर अभी नहीं हुआ है, क्योंकि हैंड चेंज हो गया, जो तीन हैंड में चला गया है। इधर जो है जमीन जो इधर इस्लामपुर और गांव वाला जो है 2010 से हम लोग लगे हुए थे, जैसे जैसे संज्ञान आया, पेपर आया, हम उसे इकट्ठा करते गए और पार्टी नेतृत्व को दिए। हम ये सब हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, मौका का इंतजार होता है, जब समय मिला। प्रखंड अध्यक्ष पहले हम थे नहीं, पार्टी का कोई नेतृत्व मेरे पास था नहीं, जब नेतृत्व मिला तो अपना फर्ज निभाया।
क्या नाम हुआ आपका, क्या है आप? संजय कुमार पटेल, राकेश मुखिया, प्रखंड जदयू अध्यक्ष। कहाँ? बता दें कि राकेश मुखिया ने अपने बयान में ये भी कहा कि वो बहुत लंबे वक्त से इस तरह की कोशिश करते रहे कि नीतीश कुमार से वो मिलकर के उनको ये सारी बातें बताएं, क्योंकि 30-40 बीघे की जमीन होना कोई आम बात नहीं है बिहार के अंदर में। इतनी जमीन तो बड़े बड़े किसान परिवारों के पास नहीं होती है, लेकिन आरसीपी सिंह ने 2010 से 2022 के बीच में इन संपत्तियों को न सिर्फ बढ़ाया बल्कि ऐसे कई संपत्तियां कई और जगहों पर होने की खबर भी सामने आ रही है। जाहिर तौर पर राकेश मुखिया ये वो शख्स है जो कि कहने के लिए तो बस प्रखंड का अध्यक्ष है, लेकिन देखिए किस तरीके से राकेश मुखिया ने नीतीश कुमार के एक वक्त में सबसे खास तरह आरसीपी सिंह की पूरी कब्र ही खुदवा दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।